शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरो बेंज को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। उस प्रकार क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो आइए सबसे पहले ये जानिए कि क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होता है। क्लास में आपको कई बार बता चुके हैं कि क्लोरोबेंजीन का सूत्र C6H5 के साथ Cl जोड़ दीजिए या बेंजीन स्ट्रक्चर खींच करके बेंजीन स्ट्रक्चर लिख करके कोई किसी कोना के साथ Cl जोड़ दीजिए। एक बात समझा जा मेरे भाई, देखो दोस्त, देखिए हमको यहां पर समझना है क्लोरोबेंजीन। चाहे तो क्लोरोबेंजीन का सूत्र लिखिए C6H5Cl या बेंजीन का स्ट्रक्चर क्लास में कई बार दिख रहे इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से है ना, डबल सिंगल डबल कहीं पर आप Cl जोड़ दीजिए, चाहे तो इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, चाहे इस पॉइंट पर, ये छह पॉइंट पर, मतलब ये छह पॉइंट का मतलब होता है एक कार्बन, छह कार्बन के साथ किसी कार्बन के साथ आप Cl जोड़ दीजिए तो एक क्लोरोबेंजीन है ना। क्लोरोबेंजीन का सूत्र चाहे तो C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl लिखिए, चाहे तो स्ट्रक्चर के रूप में दर्शाइए, बेंजीन का स्ट्रक्चर खींचिए और कहीं पर किसी कोना के साथ Cl जोड़ दीजिए। अब याद कीजिए थ्योरी, याद किया जाए कि कंसेप्ट हम आपको बताए थे, सुनिए बढ़िया से कंसेप्ट, क्या कंसेप्ट बढ़ा है कि यदि हेलो अल्केन या हेलो एरिंस, यहां पर क्लोरो जो बेंजीन है, हेलो एरिंस ग्रुप का यौगिक है, दो चीज है, एक वो हेलो अल्केन है और एक वो हेलो बढ़िया से समझिए, दो चीज आपको बताया, एक हेलो एरिंस और एक हेलो अल्केन। यहां पर क्लोरो जो बेंजीन है हेलो एरिंस ग्रुप का कंपाउंड है। तो हम कंसेप्ट आपको बता दें कि यदि हेलो एरिंस या हेलो अल्केन को, यदि हेलो एरिंस या हेलो अल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हैलाइड का शेष भाग अपने का दुगुना हो जाता है। याद किया जाए कंसेप्ट के रूप में, यदि हेलो एरिंस या हेलो अल्केन को शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो हैलाइड का शेष भाग अपने का दुगुना हो जाता है। तो यहाँ पर क्लोरो जो बेंजीन है हेलो एरिंस ग्रुप का कंपाउंड है, क्लोरो जो बेंजीन है हेलो एरिंस ग्रुप का कंपाउंड है, जब हम इसको सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हैलाइड का जो शेष भाग है अपने का दुगुना हो जाता है। तो आइए हम इसका रिएक्शन को देखते हैं, कैसे इसका आंसर लिखेंगे। अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो आप वहां पर रिएक्शन में चाहे तो C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl दिखाइए, ना तो स्ट्रक्चर के रूप में बेंजीन का स्ट्रक्चर खींचिए और कोई पॉइंट पर Cl को जोड़िए। आइए इसका ऐसे इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे देखा जाए बाबू। देखिए इसका आंसर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो आंसर बताइए इसका क्या होना चाहिए।
क्या होना चाहिए बताइए क्या बताओ मेरे भाई बैंकिंग का स्ट्रक्चर खींची पहले इस तरह से भी कर सकते कोई देखिए एक पॉइंट दो पॉइंट तीन चार पांच कोई कार्बन के साथ सी एल जोड़ दीजिए इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ सोडियम का संकेत गुण एन है शुष्क ईथर की उपस्थिति में शुष्क ईथर जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई ईथर यहां पर आप ड्राई ईथर दर्शा दीजिए का बताओ सोडियम धातु है इस पर पॉजिटिव होगा क्लोरीन अधातु इस पर नेगेटिव होगा ये सोडियम क्लोरीन के साथ क्या करेगा अभिक्रिया तो सोडियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बताइए क्या बनेगा सोडियम क्लोराइड जिसका क्या होगा बताओ बाबू NaCl प्लस यहां पर हैलाइड तो हैलाइड के रूप में क्लोराइड क्या करता है कि जब हेलो अल्केन या हेलो एरिन्स हेलो अल्केन या हेलो एरिन्स उसकी घट उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो हैलाइड का शेष भाग अपने का दुगना हो जाता है फिर यहां पर हैलाइड के रूप में क्लोराइड है तो क्लोराइड का शेष भाग ये है जब रिएक्शन करेगा तो एक बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है अपने का डबल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देखिए मेरे भाई इस तरह से अपने का डबल होगा मैंने दो बेंजीन स्ट्रक्चर खींच कर इस तरह से जोड़ दीजिए अब आइए आप पढ़े होंगे इस तरह से क्लास में इस तरह से इसका नाम है फेनिल क्या नाम है फेनिल बताइए ये बेंजीन स्ट्रक्चर में इस तरह से अगर आप एक सिंगल बॉन्ड खाली कर देंगे तो इसका नाम क्या होता फेनिल तो फेनिल के फेनिल दो फेनिल तो दो फेनिल को केमिस्ट्री में डाई कही है या बाई कही है इसका नाम हो गया बाई फेनिल अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो आप सिर्फ इस रिएक्शन को दर्शाइएगा एक बार देखिए देख दोस्त क्वेश्चन क्या क्वेश्चन हम आपको पहले लिखा चुके हैं क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो कंसेप्ट याद करो जब हेलो अल्केन हो या हेलो एरिन्स हो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइलाइट का शेष भाग अपने का दुगना हो जाता है फिर इससे एक बार आंसर देखा जाए आंसर क्या है क्लोरोबेंजीन है क्लोरोबेंजीन का बेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से खींचिए इस तरह से सीएल जोड़े एक किसका सूत्र हुआ बताइए क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया किससे कराना है सोडियम से किसकी परिधि में बताओ शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिसको अंग्रेजी में कर सकते हैं चलिए अब बता सोडियम धातु इस पर पॉजिटिव होगा क्लोरीन का धातु नेगेटिव ये सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा बताइए क्या होगा NaCl बाहर होगा प्लस अब बताइए यहां पर हाइलाइट के रूप में कौन है क्लोराइड तो क्लोराइड का जो है शेष भागी होगा देखिए क्लोराइड का शेष भाग ये होगा तो ये अपने का क्या हो जाएगा दुगना यानी बेंजीन स्ट्रक्चर का डबल कर दीजिए मतलब दो बेंजीन स्ट्रक्चर खींच कर बीच में सिंगल बॉन्ड जोड़ दीजिए आइए देखिए इस तरह से बनाइएगा इस तरह से ए हो गया अब बताइए इसका नाम है देखिए अगर इस तरह से रहेगा स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा इसको पढ़ेंगे बेंजीन और कहीं पर कोई एक बॉन्ड खाली है तो इसको पढ़ेंगे फेनिल या फेनाइल या बेंजीन या बेंजाइल या एनिल या एराइल एक बार समझा जाए बढ़िया से समझो अगर इस तरह के रहेगा
अगर इस तरह का इसको पढ़ेंगे बहन जी और इसमें कहीं एक बॉन्ड खाली रहे, एक बॉन्ड खाली रहे तो इसको आप छह नाम पढ़ सकते हैं, बेंजीन ए बेंजीन पढ़िए, बेंजाइन पढ़िए, फेनिल पढ़िए, फेनाइल पढ़िए, एरिल पढ़िए, एराइन पढ़िए, तो छह नाम में कुछ भी। कब? जब बेंजीन स्ट्रक्चर में कोई एक बॉन्ड खाली है, जब बेंजीन स्ट्रक्चर में कोई एक बॉन्ड खाली रहे तो उसको आप छह नाम से जान सकते हैं, बेंजीन बेंजाइन फेनिल फेनाइल एरिल एराइल। तो अब आइए इसका नाम हो गया फेनिल, तो फेनिल फेनिल क्यों दो फेनिल दो फेनिल को अंग्रेजी में कहेंगे बाई कहो या डाई कहो, इसका नाम हो गया बाई बाई फेनिल हो गया। अब आइए हम आपको पीडीएफ में दिखाते हैं कि किस तरह से आप लिखिएगा, पीडीएफ लिखिए पीडीएफ ए देखें, तीन तक पढ़ा चुके थे, चौथा देखो बाबू, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरो बेंजीन को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। ये देखिए जो बताए ये आपको क्लोरो बेंजीन का सूत्र हो गया, इसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ कराए, किसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई ईथर, की पॉजिटिव आई नेगेटिव मिलकर के NaCl बाहर हो गया, अब बेंजीन का स्ट्रक्चर डबल हो गया जिसका नाम हो गया पॉलीफेनिल। अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति क्लोरोबेंजीन को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, आप कुछ मत कीजिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए और सिर्फ इस रिएक्शन को दर्शा दीजिए, टेलीग्राम में ये आपका पीडीएफ लोड है, कोई दिक्कत है। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए पांच, कंसेप्ट याद किया जाए कि अगर सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्काइल का शेष भाग सॉरी हैलाइड का शेष भाग अपने का दुगना हो जाता है, लेकिन वही ब्रोमीन मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया करते हैं तो दुगना के बजाय सिर्फ उसके साथ जुट जाता, बड़े समझो कंसेप्ट क्लियर किया जाए कि जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में हेलो एरिन्स या हेलो अल्केन को सोडियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्काइल तो हैलाइड का शेष भाग अपने का दुगना हो जाता है, लेकिन जब मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो सिर्फ वहां पर जुटेगा। जैसे पांचवा देखिए शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्लोरोबेंजीन अगर क्लोरोबेंजीन का हमको फॉर्मूला लिखना है तो C6H5 के साथ CH जोड़ देना है, अगर स्ट्रक्चर के रूप में दर्शाना है तो बेंजीन का स्ट्रक्चर खींचेंगे और कोई एक कोना पर सीएल को जोड़ देना है, कोई दिक्कत है। तो अगला क्या है कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, एग्जाम में कैसे आएगा क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए अगला पांचवा, पांच देखा जा क्या है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है
है। चलिए पांचवा देखिए, क्या क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। अब आइए आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर देखिए। चलिए यहां पर है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को रिएक्शन में चाहे तो अणुसूत्र के रूप में दिखा सकते हैं ना तो स्ट्रक्चर के रूप में। चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो मेरे भाई इस तरह से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हुआ। इसको दो तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो बीच में रिंग दे दीजिए ना तो सिंगल और डबल का अल्टरनेट कर दीजिए, इस तरह से सिंगल डबल डबल सिंगल डबल सिंगल, इस तरह से कोई कोना पर सीएल जोड़ दीजिए, इसका नाम होगा क्लोरोबेंजीन। ऐसे लिख सकते हैं क्लोरोबेंजीन, इसकी अभिक्रिया कराना है मैग्नीशियम से तो मैग्नीशियम का संकेत हो गया Mg। चले किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर को अंग्रेजी में कहते हैं ड्राई ईथर। अब आइए अभी हम बताए कि जब हेलो एलिन्स या हेलो अल्के, यहां पर जो क्लोरोबेंजीन है हेलो एलिन्स ग्रुप का कंपाउंड है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हैं, मैग्नीशियम के साथ, तो क्लोरोबेंजीन सिर्फ मैग्नीशियम के साथ एड हो जाएगा। यानी मैग्नीशियम का दो बॉन्ड होता है तो एक बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे बेंजीन स्ट्रक्चर को और एक बॉन्ड के साथ जोड़ देंगे क्लोरीन को। आइए कैसे जोड़ते हैं देखिए, देखिए यहां पर जगह नहीं नीचे, पहले आप क्या करें बेंजीन स्ट्रक्चर बनाइए, बेंजीन स्ट्रक्चर बनाइए इस तरह से। ऐसे भी कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड बीच में Mg सिंगल बॉन्ड सी। देखिए मैग्नीशियम के यहां पर दो बॉन्ड है, एक बॉन्ड के साथ जोड़ दिए क्लोरीन, एक बॉन्ड के साथ जोड़ दिए बेंजीन स्ट्रक्चर। अब आइए अभी बताएं कि अगर बेंजीन स्ट्रक्चर में कोई एक बॉन्ड खाली है तो उसको आप छोर ढंग से जान सकते हैं, बेंजीन बेंजाइल फेनिल फेनाइल एरिल एराइल। तो अब आइए इसका नाम आप क्या दे सकते हैं, इसका नाम क्या देंगे, इसको कहिए फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलिए लिख रहे हैं फेनिल मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड क्लोराइड। अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या होता है जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम धातु के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके सिर्फ इस रिएक्शन को दर्शा देना है, दिक्कत है। आइए हम पीडीएफ के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए पीडीएफ में देखिए ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो उसका आंसर देखिए सिर्फ देखिए बेंजीन स्ट्रक्चर खींचे सीएल जोड़ते हैं एमजी के साथ अभिक्रिया कराना है तो मैग्नीशियम का दो बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड के साथ मैग्नीशियम को जोड़ दिए एक बॉन्ड के साथ क्लोरीन के जोड़ दिए एक मैग्नीशियम, अगर बेंजीन स्ट्रक्चर में कोई एक बॉन्ड खाली है तो उसको नाम रखो फेनिल, देखिए फेनिल है मैग्नीशियम है क्लोराइड है, कोई दिक्कत पीडीएफ के माध्यम से इस तरह सब दिखा सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कहता है, इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 से क्या था, देखिए क्या है 6
सिक्स क्या है, क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है ना। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। सबसे पहले देखिए इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5.OH। इथाइल अल्कोहल का सूत्र सिंपल फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, आप रिएक्शन नहीं बना सकते हैं। इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्लास में हम आपको बताते हैं कि अल्कोहल ग्रुप में दो कार्बन वाला को इथिल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कहते हैं, जिसका अणु सूत्र C2H5OH होता है। तो बताओ इथाइल अल्कोहल का सूत्र क्या होगा, C2H5OH। एक और इथाइल कंपाउंड है एसिटिक अम्ल, तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होगा CH3। याद किया जाए कार्बोजेनिक अम्ल में दो कार्बन वाला को एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है CH3COOH। अब आइए इस क्वेश्चन में इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, इथाइल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH और एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। अब देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्रोडक्ट मिलता है, क्या निकलता है, उस पर गौर करते हैं, उस रिएक्शन पर गौर करते हैं। आइए बोलते हैं दोस्तों, देख दोस्त बाबू आंसर, चल बताओ पहले क्या इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल का सूत्र बोलिए क्या होगा बताइए, C2H5.OH प्लस एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र बोलिए CH3COOH। अब आए दोनों को रिएक्शन कराना है, बताइए इसका नाम, बताए मेरे बाबू इसका नाम क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल लिख रहे हैं, इथाइल अल्कोहल इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल कहिए या एसिटिक एसिड कहिए। अब बताइए, चलो देख मेरे भाई क्या है, OH पर आपको याद होना चाहिए, OH पर कौन सी चार्ज होता है, माइनस। अभी क्या है बताइए, H पर क्या होगा, प्लस। तो अब बताओ यहां का पॉजिटिव और यहां का नेगेटिव, यानी OH H के साथ मिलेगा, तो याद करो OH H के साथ मिलेगा तो बनेगा OH, OH के साथ कौन जुटेगा H, तो बनेगा क्या चीज, H2O। याद हो गया, चलो मेरे भाई, तो यहां OH है यहां H है, तो OH H के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, H2O। देखा जाए H2O, देख बाबू पहला प्रोडक्ट क्या है, यहां का OH यहां H, तो क्या बना बताए, यहां जगह नहीं है, हम नीचे लिख रहे हैं H2 प्लस। अब बताओ यहां क्या बच रहा है, बताए क्या बच रहा है, बताओ बाबू CH3COOH, जिसका नाम है एसीटेट या इथेनोएट।
है ना। साधारण आप बताइए सीएससी सी डब्ल्यू को कहिएगा कॉमन नेम में एसिड हाइपर नेम में कहिए इथेनो ए तो क्या होगा बताओ यार सी क्या बचा सीएससी सी डबल ओ डॉ यहां क्या बचा ओ एस तो निकल गया क्या बचा बताओ बाबू C2H5 का नाम है इथिल या इथाइल इसका नाम क्या है इथिल या इथाइल इसका क्या नाम है एसीटेट या इथेनोएट तो पूरा नाम क्या होगा इथिल एसीटेट। अब आइए अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके सिर्फ इसको आपको दर्शा देना है तो बताओ कि जब इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या प्रोडक्ट मिला इथिल एसिटेट। कोई दिक्कत है अगर ऑब्जेक्टिव आ जाए इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से प्राप्त होता है तो आंसर होना चाहिए इथिल एसिटेट जिसका सूत्र होता है CH3CW2H5। पहले तो समझिए कैसे लिखेंगे क्वेश्चन क्या था मेरे भाई क्या क्वेश्चन था क्वेश्चन देखा जाए पहले क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सिर्फ इसका आंसर सिर्फ ए आपको लिखना है ए रिएक्शन आपको सिर्फ लिखना है ए देखिए इथाइल अल्कोहल का सूत्र हो गया C2H5OH एसिटिक अम्ल का सूत्र हो गया CH3COOH रिएक्शन किया पहला प्रोडक्ट क्या मिला H2O और दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला CH3COOH5 इसका नाम क्या हो गया इथिल एसिटेट इथिल हिंदी में से भी लिख सकते हैं हिंदी में इथिल एसिटेट कोई दिक्कत है अगर क्वेश्चन आ जाए क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो सिर्फ इस रिएक्शन को लिख सकते हैं यहां पर आपको ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है क्या चीज इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से प्राप्त होता है तो आप आंसर लिख सकते हैं इथिल एसिटेट नाम में रह करके फार्मूला रहेगा तो फार्मूला क्या होगा CH3COOH5। अब इस बार 2021 में इसी चीज को उलट कर पूछा था क्या उसको भी लिख रहे हैं कि क्या होता है जब अम्ल क्लोराइड की उपस्थिति में पहला पीडीएफ इसका देखा जाए पहले पीडीएफ देखिए पीडीएफ देखा जाए इसको पीडीएफ के माध्यम से देखिए पहले पीडीएफ देखो देख दोस्त पीडीएफ देखा जाए क्या लिखा हुआ है इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है इथाइल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है इथाइल अल्कोहल को बताएं C2H5 यहां पर देख लीजिए C2H5 एसिटिक अम्ल का सूत्र बताएं CH3COOH अभी बताएं OH पर नेगेटिव होता है देखो OH पर नेगेटिव है H पर पॉजिटिव है OH और H को मिलाकर H2O बना दिया है यहां बचा था CH3COOH यहां बचा C2H5 जिसका नाम है इथाइल एसिटेट या इथिल एसिटेट और दिक्कत है इसी को 2021 में पीडीएफ में उसको नहीं डाला गया क्योंकि 21 में जब पूछ दे तो 22 में कैसे पूछेगा तो इसी क्वेश्चन को उलट के पूछा था 2021 में क्या कि क्या होता है जब अम्ल क्लोराइड की उपस्थिति में इथिल एसिटेट का जल अपघटन किया जाता है आइए इस क्वेश्चन को देखें पहले देखिए देखा 2021 में पूछा था 2021 में देखिए क्या होता है बार बार हमने लिखे जाए क्या होता है जब है ना क्या पूछा था क्या होता है जब
क्या अम्ल 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 क्लोराइड क्लोराइड की अम्ल क्लोराइड की उपस्थिति में इथिल इथिल एसीटेट इथिल एसीटेट का जल अपघटन जल अपघटन किया जाता है जल अपघटन किया जाता है। यही क्वेश्चन आपको 2021 में एक नंबर का पूछा था क्या कि क्या होता है जब अम्ल क्लोराइड की उपस्थिति में इथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। सबसे पहले समझो इथिल एसीटेट आपको क्लास में कई बार बताए होंगे कि जब फार्मूला लिखने के बाद आए तो एट वाला या नोएट वाला को पहले लिखा जाता है। तो यहां एट वाला है एसीटेट एट वाला है एसीटेट तो एसीटेट का सूत्र हो गया CH3 CO और इथिल का सूत्र होता है C2H5 तो बताओ इथिल एसीटेट का सूत्र हो गया CH3 CO C2H5। एक बड़ा कंसेप्ट समझ कि जब इसका फार्मूला लिखने की बात आए आपको ईस्टर ग्रुप का हमने कंसेप्ट लिखाते हैं कि जब ईस्टर ग्रुप का फार्मूला लिखने की बात आवे तो एट वाला या नोएट वाला सुनो मेरे से जब ईस्टर ग्रुप के यौगिक का सूत्र लिखने की बात आवे है ना तो एट वाला हो या नोएट वाला हो उसकी सूत्र पहले लिखा जाता है। तो यहां एट के रूप में कौन है ये सिटेट है जिसका सूत्र होता है CH3CO और आगे किया इथिल का सूत्र होता है C2H5। दोनों को जोड़ दीजिए तो फार्मूला हो जाएगा CH3CO C2H5 यानी यहां पर इथिल एसीटेट का सूत्र हो गया CH3CO C2H5। जल अपघटन जल अपघटन का मतलब होता है जल के साथ अभिक्रिया तो जल का सूत्र होता है H2O जिसको आप तोड़कर लिख सकते हैं एक सिंगल बाउंड OH H पर होता है पॉजिटिव OH पर होता है नेगेटिव। समझ में आ गया तो इसका रिएक्शन कैसे बनाएंगे अम्ल क्लोराइड की उपस्थिति में इथिल एसीटेट का सूत्र हो गया CH3CO C2H5। जल अपघटन मतलब जल के साथ अभिक्रिया तो जल का सूत्र होता है H2O या H सिंगल बॉन्ड OH। आइए इस रिएक्शन को दर्शाते हैं देखा जाए क्या आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। क्या है क्वेश्चन अम्ल क्लोराइड की उपस्थिति में इथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है। देखिए आंसर बताओ दोस्त इथिल एसीटेट का सूत्र बोलो CH3CO C2H5 इसका नाम हो गया इथिल एसीटेट हिंदी में लिखते हैं इथिल एसीटेट हो गया जल अपघटन माने जल के साथ अभिक्रिया जल का फार्मूला बोल एक सिंगल बॉन्ड OH कोई प्रॉब्लम है। अब आइए यहां पर एक पॉजिटिव होता है ए नेगेटिव होता है ना मेरे बाबू चल दर्शाओ मेरे भाई। अब वहां तक उसी तरह से यहां पर CH3CO सुन लीजिए बड़े CH3CO नेगेटिव होता है
इस पर होता है पॉजिटिव, बढ़िया से समझो, एक्स पर पॉजिटिव और एक पर नेगेटिव, सीटूएस फाइव पर पॉजिटिव और सी एस थ्री सीरो पर क्या हो गया नेगेटिव, यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव, यानी सीटूएस फाइव के साथ क्या टूटेगा वो एक बराबर पर चर्चा हम लोग करते हैं, फिर भी लिख करते इसको देखिए खुद बढ़िया से देखिए क्या है क्वेश्चन क्या था हमको एक बार बताइए क्या होता है जब अम्ल क्लोराइड की उपस्थिति में इथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है, इसका आंसर देखिए बाबू कैसे लिखेंगे, आंसर पहले तो इथिल एसीटेट का सूत्र बताइए CH3 COOC2H5 इसका नाम हो गया इथिल एसीटेट जल अपघटन माने जल के साथ अभिक्रिया, जल का फॉर्मूला इस तरह से लिखे एक सिंगल बॉन्ड OH पर जानते नेगेटिव, इस पर जानते पॉजिटिव, C2H5 होता है पॉजिटिव और इसका जो शेष भाग ए हो गया नेगेटिव, यहाँ का पॉजिटिव और यहाँ का नेगेटिव जुट जाएगा दोस्त, है ना जुटेगा। अब हमको ये बताओ किसकी प्रेजेंटी में, याद कीजिए किसकी प्रेजेंटी में, तो अम्ल क्लोराइड, इस पर आप लिख दीजिए अम्ल क्लोराइड तो बताओ C2H5 के साथ क्या टूटेगा OH, बताइए C2H5.OH जिसका नाम हम बताते कि चाहे इथिल अल्कोहल हो इथाइल अल्कोहल का हो या इथेनॉल का हो, क्या कह सकते हैं इथेनॉल प्लस। अब बताइए यहां का नेगेटिव यहां का पॉजिटिव, नेगेटिव किस पर है CH3COO पर है और पॉजिटिव के रूप में एच है, यानी CH3COO में क्या टूटेगा एच, क्या लिया हुआ CH3COO में क्या टूटेगा एच जोड़ दिए, इसका नाम क्या हो गया एसिटिक अम्ल या इथेनोइक एसिड, कुछ कहिए एसिटिक एसिड, कोई दिक्कत अगर एग्जाम में आ जाए बाबू कि क्या होता है जब अम्ल क्लोराइड की उपस्थिति में इथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है तो आप इस तरह से रिएक्शन को दर्शा सकते हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलिए आगे देखिए, ये आपका 2021 में पूछा था एक नंबर का कि क्या होता है जब अम्ल क्लोराइड की उपस्थिति में इथिल एसीटेट का जल अपघटन किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आपके इस रिएक्शन को दर्शाना होगा। अब आइए पीडीएफ, ये आपको पीडीएफ में सेट नहीं क्योंकि 2021 में पूरी सीरीज को हटा दिया है, अब आगे देखते हैं पीडीएफ में अगला क्या पढ़ना है, देखिए ये देखिए आपको छठा तक पढ़ा चुके हैं, सातवां क्या है इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, एक कंसेप्ट याद कीजिएगा कि अगर अल्कोहल के किसी कंपाउंड के साथ कंसेप्ट समझा जाए क्या है क्वेश्चन, क्या होता है जब इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, शायद 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या होता है जब इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, क्या दोस्त देखिए पहले क्या है क्वेश्चन, क्या होता है जब बार बार नहीं जोड़ रहे हैं, क्या है क्वेश्चन इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल क्या होता है जब इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को PCl5 के साथ
के साथ अभिक्रिया अभिक्रिया कराई जाती है, कराई जाती है, कराई। ये आपको 2014 में क्वेश्चन पूछा है कि क्या होता है जब इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। एक कंसेप्ट याद रखिएगा, कंसेप्ट याद रखेंगे, सुनिए बढ़िया से क्या कंसेप्ट होता है कि जब अल्कोहल के किसी कंपाउंड के साथ, जब अल्कोहल के किसी यौगिक के साथ PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वहां पर हमेशा एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद निकलता है जिसका नाम है POCl3। जब अल्कोहल के किसी यौगिक के साथ PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, जब अल्कोहल के किसी कंपाउंड को, किसी यौगिक को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वहां पर एक घटक हमेशा निकलता है जिसका नाम क्या है, POCl3। इसका नाम हो गया पी से फास्फोरस, और यहां पर ओ को पढ़ेंगे ऑक्सी। पी माने फास्फोरस, ओ माने ऑक्सी, और तीन को करते ट्राई, और क्लोरीन पीछे हो गया। तो याद करो कि प्रत्येक रूप में, सफिक्स के रूप में क्लोरीन को पढ़ते क्लोराइड। तो बोलो फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, क्या क्या लिख सकते हैं बताओ, हिंदी लिख देते हैं। फास्फोरस ऑक्सी ऑक्सी ट्राई क्लोराइड, याद हो गया। सुनेंगे बढ़िया से कि जब अल्कोहल के किसी कंपाउंड को, जब अल्कोहल के किसी यौगिक को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो वहां पर एक घटक निकलता है जिसका नाम क्या है, POCl3, जिसका नाम है फास्फोरस ऑक्सी ट्राई क्लोराइड। अब देखते हैं कि इसका रिएक्शन क्या निकलता है, या भी ये बताओ इसका नाम क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल लगा के क्या कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल। तो इथेनॉल या क्या जाए, अल्कोहल ग्रुप में दो कार्बन वाला को इथिल अल्कोहल या इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल कहते हैं, जिसका सूत्र C2H5OH होता है। क्या होगा बताओ, इथेनॉल का सूत्र क्या होगा बताइए, C2H5OH। C2H5OH, C2H5 को हम अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ। एक घटक निकलेगा जिसका नाम क्या है, POCl3। आइए रिएक्शन देखा जाए कैसे इसका आंसर लिखे। क्वेश्चन क्या है कि 2014 में पूछा, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। देखिए तो इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH। अभिक्रिया किसके साथ कराएंगे, PCl5 के साथ। एक घटक क्या निकलेगा, POCl3। आइए देखा आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या होता है जब इथेनॉल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। पीडीएफ में क्वेश्चन नंबर 7 है, आंसर देखा था क्या होता है। देखिए बढ़िया से, खूब बढ़िया से समझिए, खूब बढ़िया से बताओ, इथेनॉल का सूत्र हमको बताओ, C2H5.OH, इसका नाम क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल आप बताइए इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराना है, PCl5 के साथ, PCl5 के साथ। तो एक घटक निकलेगा, क्या निकलेगा बताओ, POCl3। अब चलिए POCl3 घटक के बाद क्या क्या निकलेगा, आइए देखिए, चलिए देखिए खुद देखो बाबू, यहां से देखो, ए आपका क्या बताओ, पी है, यहां से पी खत्म हो गया,
देखो बढ़िया से, ये पी है यहां से पी खत्म हो गया, अब आइए ओ, यहां से ओ खत्म हो गया, अब आइए क्लोरीन के वो तीन गो है और यहां पर के वो पांच गो है, तो पांच में तीन खत्म हो गया, तो आपको बचा के जो बचा दो ठो, फिर समझाना ये पी है ते पी खत्म हो गया, ई ओ है ते यहां से ओ खत्म हो गया, क्लोरीन के वो पांच गो है, पांच में तीन खत्म, तो बचा के बचा के ठो तीन ठो दो को बचा सीएल सीएल। अब याद करके बताओ हाइड्रोजन पर कौन चार्ज होता पॉजिटिव, क्लोरीन पर कौन चार्ज होता नेगेटिव। अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, यानी हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनेगा HCl, यानी दूसरा घटक कौन हो गया HCl, दूसरा घटक HCl। अब चलो यहां क्या बचा C2H5, यहां क्या बचा Cl, तो C2H5 के साथ जोड़ दीजिए, क्या होगा C2H5.Cl। अब तक रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत है? इसका नाम हम आपको 10 बार बताए हैं, C2H5 का नाम हो गया इथिल कहिए या इथाइल, C2H5 का नाम इथिल या इथाइल। अब बताओ कन्वर्ट Cl को क्या पढ़ेंगे, तो बताओ Cl को प्रत्यय के रूप में यानी पीछे क्या पढ़ेंगे क्लोराइड, इसका नाम हो गया इथिल या इथाइल क्लोराइड। क्या नाम देंगे इथिल क्लोराइड, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया। क्या था क्वेश्चन, क्या होता है जब इथेनॉल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, एक बार इसको देखा जाए दोस्त, एक बार देखिए इसको, देखिए आंसर, देखिए क्या बता, इथेनॉल, इथेनॉल का सूत्र बोलो C2H5.OH, इसका क्या नाम होगा इथेनॉल, है ना, इसकी अभिक्रिया किसके साथ PCl5 के साथ, बताओ जब अल्कोहल ग्रुप, जब अल्कोहल ग्रुप के कंपाउंड के साथ PCl5 अभिक्रिया करेगा तो एगो घटक हमेशा निकलेगा PO POCl3। अब बाकी घटक के लिए गौर किया जाए, बाकी घटक के लिए गौर किया जाए, देखिए ये क्या है बताओ हमको, P यहां से आपका P खत्म हो गया, ये आपका क्या है O, यहां से O खत्म हो गया, उसके बाद ये क्या है क्लोरीन, क्लोरीन क्या वो है तीन वो है, यहां क्लोरीन का आइटम क्या वो पांच वो है, तो पांच में तीन खत्म हो गया, तो बता कुछ दो क्लोरीन, बताओ हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज होता है पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्शन करेगा, तो याद किया जाए हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा हाइड्रोक्लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बढ़िया से समझो पॉजिटिव वाली नेगेटिव, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, तो याद किया जाए हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका सूत्र होगा HCl, यानी दूसरा घटक के रूप में क्या निकला हमको बताओ HCl। अब क्या बचा, यहां बचा C2H5 और यहां बचा Cl, चलिए क्या निकल कर आया C2H5 Cl, जिसका नाम बोलो C2H5 को कहेंगे इथिल या इथाइल, और Cl पीछे हो गया तो बोलेंगे क्लोराइड, इसका नाम हो गया इथिल क्लोराइड, आपका रिएक्शन कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत पीडीएफ में देखिए, पीडीएफ में देखिए, देखिए पीडीएफ में देखिए, इथाइल अल्कोहल इथेनॉल को PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो बता इथाइल अल्कोहल का सूत्र C2H5OH, C2H5OH, PCl5 पहला घटक क्या निकला POCl3, दूसरा घटक क्या निकला HCl, तीसरा घटक C2H5, इसका नाम हो गया इथाइल क्लोराइड, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम। अब चलिए चलिए आठवां देखा जाए, आठवां देखो बाबू दोस्त खूब बढ़िया से समझिए, एसिटिलीन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है,
कि क्या होता है जब हार्ट हैपेंस वेन, क्या होता है जब एसिटिलीन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है। आइए देखिए आपको क्या है क्वेश्चन आठवां, एसिटिलीन या इसका दूसरा नाम है इथाइन। क्या होता है जब एसिटिलीन या इथाइन को गर्म कॉपर की नली में एसिटिलीन या इथाइन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है। चलिए आइए समझिए क्या होता है जब एसिटिलीन या इथाइन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है। आप समझिए पहले बढ़िया से दोस्त, देखिए सबसे पहले समझो कि एसिटिलीन या इथाइन का सूत्र क्या होता है। एसिटिलीन या इथाइन का सूत्र C2H2 या इसी को आप स्ट्रक्चर के रूप में लिख सकते हैं CH CH। आप दोनों के साथ दिखा सकते हैं रिएक्शन में, चाहे तो C2H2 लिखिए या CH CH। हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्या होता है जब एसिटिलीन या इथाइन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है। सबसे पहले देखिए कि रिएक्शन में अभिक्रिया में कंपाउंड के रूप में यौगिक के रूप में कौन है, कि आप एसिटिलीन है तो उसका फार्मूला क्या होगा C2H2 में लिख करके आप क्या लिख सकते हैं CH CH। अब याद क्या जाए, आप क्लास में बहुलक चैप्टर पढ़े होंगे, बहुलक, वहां पर साफ आपको बताएंगे कि जब एसिटिलीन को या इथाइन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है तो बेंजीन की प्राप्ति होता है, जिसका सूत्र क्या होता है C6H6। याद क्या जाए, जब एसिटिलीन को या इथाइन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है तो बेंजीन की प्राप्ति होती है, यानी C6H6 की प्राप्ति होती है। यहां पर ऑब्जेक्टिव भी आपको पूछ सकता है कि एसिटिलीन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित करने से प्राप्त होता है। क्या पूछेगा ऑब्जेक्टिव के रूप में, पहले एसिटिलीन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, तो आंसर क्या होना चाहिए, बेंजीन का जाकर के ऑप्शन में रहेगा C6H6। पहले रिएक्शन देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। आंसर देखिए बाबू, आंसर देखो एसिटिलीन सूत्र बोलो C2H2, इसका नाम है एसिटिलीन या इथाइन, एसिटिलीन। अब बताओ एसिटिलीन को गर्म कॉपर की नली में
गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित करते, तो बताओ जब एसिटिलीन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित करेंगे तो बेंजीन की प्राप्ति होगा। बेंजीन का सूत्र बोलो, C6H6, इसका नाम हो गया बेंजीन। अब इसको बैलेंस करते हैं, बताओ मेरे भाई इसको बैलेंस करते हैं दोस्त, बैलेंस करते हैं। देखिए यहां पर कार्बन 6 है, कार्बन का आइटम 6 है, यहां पर कार्बन का आइटम 2 है, यहां पर कार्बन की परमाणु 6 है और यहां पर 2 है, तो बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए यहां पर 3 से गुणा करेंगे। अब बताओ कार्बन 3 × 6 तो हाइड्रोजन भी 3 × 6 हो गया, हाइड्रोजन भी 3 × 6 हो गया। अगर एग्जाम में आपको आ जाए कि एसिटिलीन या इथाइन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आप सिर्फ इस रिएक्शन को दर्शा दीजिएगा, कोई दिक्कत है? यहां से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है क्या, इथाइन या एसिटिलीन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित करने से प्राप्त होता है, तो आंसर आप लिखेंगे बेंजीन या लिखेंगे C6H6। पीडीएफ के माध्यम से देखिए, पीडीएफ में लेंगे, ये देखिए 8वां नंबर क्या लिखा हुआ है, एसिटिलीन को गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किया जाता है, तो देखो लिखे थे C2H2 जो एसिटिलीन है गर्म कॉपर की नली में प्रवाहित किए, तो क्या बना बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है C6H6। अब आइए यहां पर 3 से गुणा किया, अगर हुआ वही बताया। अब आइए 9वां देखिए, इथिलीन को बहुलीकृत किया जाता है, बहुलीकृत बना है बहुलक कैसे, बढ़िया से बताओ, इथिलीन को बहुलीकृत किया जाता है, बहुलीकृत, आइए पहले इसको लिखते हैं, चलिए 9वां देखा है, 9वां देखो बाबू, 9 इथिलीन को बहुलीकृत किया जाता है, खूब बढ़िया से समझिए, इथिलीन को बहुलीकृत, बहुलीकृत, बहुलीकृत किया जाता है, किया जाता है। क्वेश्चन आएगा क्या होता है जब इथिलीन को बहुलीकृत किया जाता है, है ना, क्या होता है जब इथिलीन को बहुलीकृत किया जाता है। अब आइए इस रिएक्शन में, इस अभिक्रिया में यौगिक के रूप में कौन है, इथिलीन, क्या बाबू यौगिक के रूप में कौन है, यौगिक के रूप में कौन है बताओ, इथिलीन, इथिलीन का फार्मूला होगा C2H4, और स्ट्रक्चर के रूप में लिखेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या कोई दिक्कत है, बताओ मेरे भाई, इथिलीन का सूत्र हो गया C2H4, स्ट्रक्चर के रूप में होता है C2 डबल बॉन्ड C2। अब आइए यहां पर एक शब्द आया है बहुलीकृत, बहुलीकृत बना है बहुलीकरण से, बहुलीकरण, बहुलीकरण का मतलब होता है यौगिक के अनेक अणु को, यौगिक के एक से अधिक अणु को आपस में जोड़ना, यानी बताओ यहां कंपाउंड के रूप में कौन है, इथिलीन, इथिलीन को क्या करना है, बहुलीकृत, बहुलीकृत का मतलब हुआ कि यहां पर इथिलीन को एक से अधिक अणु को आपस में क्या करना है, फिर बात को समझो, बहुलीकृत का अर्थ हुआ बहुलीकृत बना है बहुलीकरण से, बहुलीकरण का मतलब होता है एक से अधिक अणु को आपस में ऐड करना, जोड़ना, मतलब हम कह सकते हैं कि बहुलीकृत का मतलब हो गया बहुलीकरण, बहुलीकरण का मतलब हुआ एक
से अधिक अणु को आपस में जोड़ना, यानी हम कह सकते हैं कि बहुलकी का भी मतलब एक से अधिक अणु को आपस में जोड़ना। तो किसके एक से अधिक अणु को आपस में जोड़ना? इथिलीन का। तो आप बताओ कि जब इथिलीन का एक से अधिक अणु को आपस में ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा? एक बताओ केमिस्ट्री में जानिए, जब अणु आपस में जुटता है तो बीच में बॉन्ड टूटता। याद किया जाए कि जब आइटम जुटेगा, ऐड होगा, तो बॉन्ड टूटेगा। ट्रिपल होगा तो डबल, डबल होगा तो सिंगल। तो बताओ बहुलकीकरण का मतलब क्या हुआ? एक से अधिक अणु को आपस में जोड़ना। केकर एक से अधिक अणु को आपस में जोड़ना, इथिलीन का, यानी इथिलीन के एक से अधिक अणु को आपस में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो बताओ जब इथिलीन के एक से अधिक अणु को आपस में जोड़ेंगे तो बॉन्ड टूटेगा, या बॉन्ड के रूप में कौन है? डबल बॉन्ड। तो टूट कर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। कब? जब इथिलीन के एक से अधिक अणु को आपस में जोड़ेंगे तब। अब आइए देखिए क्या होता है, देखिए इसका रिएक्शन क्या है। देखो दोस्त, क्वेश्चन क्या क्या होता है जब इथिलीन को बहुलकीकृत किया जाता है? तो बताओ इथिलीन का सूत्र यहां पर हम दर्शाएंगे, C2 डबल बॉन्ड C2। आइए क्या आंसर देंगे इसका, देखिए आंसर देखा जाए। देखिए आंसर देखो बाबू, आंसर बताओ, इथिलीन का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए इसका नाम क्या है? इथिलीन। अब इसको हमको क्या करना है? बहुलकीकृत करना। बहुलकीकृत का मतलब हुआ कि इथिलीन के अनेक अणु, अनेक का मतलब यहां पर अनेक का अणु बताइए। अभी हमको बताओ बढ़िया से कि जब हम C2 डबल बॉन्ड C2 है ना, अभी यहां पर गुणांक एक है, यानी इथिलीन का क्या अणु है? एक अणु है। बढ़िया से समझो, बढ़िया से बाबू देखिए, यहां पर बताओ C2 डबल बॉन्ड C2, यहां पर अभी गुणांक कितना? एक है, यानी C2 डबल बॉन्ड C2 लिखने से इथिलीन के एक अणु का बोध होता है। तो यहां पर क्या करता है? बहुलकीकृत। बहुलकीकृत का मतलब होता है इथिलीन के अनेक अणु को आपस में जोड़ना। तो यहां पर अनेक का मतलब होता है अनंत, है ना? बड़ी समझो, बहुलकीकृत, बहुलकीकृत का मतलब अनेक अणु को आपस में जोड़ना। किसके अनेक अणु को? इथिलीन का। तो इथिलीन के अनेक अणु को आपस में जोड़ना, तो अनेक का मतलब होगा अनंत। मतलब तो बता, इसका मतलब हो गया कि इथिलीन के अनेक अणु को, माने अनेक अनंत अणु को आपस में क्या करना? ऐड करना है। अब बताइए बढ़िया से, खुद समझिए, नहीं समझ में आ रहा है खुद देखा जाए मेरे बाबू, देखिए खुद समझिए, आंसर एक बार और समझा जाए, समझे। इथिलीन का सूत्र बोलो, C2 डबल बॉन्ड C2। अभी बताओ यहां पर गुणांक अभी आपको बताइए, C2 डबल बॉन्ड C2 किसका सूत्र है? इथिलीन का है। बताओ अभी यहां पर गुणांक कितना है? एक है। मतलब कि बताओ C2 डबल बॉन्ड C2 लिखने से इथिलीन का एक अणु का बोध हो रहा है। तो हमको कहना बहुलकीकरण, बहुलकीकरण का मतलब इसके अनेक अणु को, मतलब अनंत अणु को आपस में क्या करना? जुड़ना है। यानी एक की जगह हमको क्या लिखना है? एन लिखना है। कोई दिक्कत? अब बताइए एक बात कि एक अणु में, बढ़िया से सुनिए बढ़िया से, एक अणु में CH2 CH2, एक अणु में CH2 CH2 दो गो है, एक अणु में CH2 और CH2 दो गो है। तो यहां पर अणु है अनेक, अनेक माने अनंत। तो बताओ एक अणु में CH2 दो गो होगा तो अनेक में CH2 अनंत होगा। बढ़िया समझो, इथिलीन के एक अणु में CH2 CH2 दो गो है। तो यहां पर बहुलकीकरण कराया जा रहा है, मगर इथिलीन का अनेक अणु है, अनेक माने अनंत। तो एक अणु में CH2 दो गो, तो अनंत में CH2 अनंत।
आनंद होगा, यानी जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें CH2 क्या बनाएगा, आनंद बनाएगा। और अभी बताएं कि जब अनेक अणु आपस में जुटेगा तो बॉन्ड टूटेगा, तो बीच में कौन बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है। तो रिएक्शन के बाद CH2 के बाद हम कुछ लिखेंगे सिंगल बॉन्ड लिखेंगे। यानी देखिए देखिए आंसर क्या होगा, हमको बताइए आंसर। बहुत देरी चर्चा की, CH2 double bond चलिए इसका नाम हो गया इथिली। बताइए इसका हम लोग क्या करा रहे हैं, बहुलीकृत। अब बता बहुलीकृत माने बहुलीकरण, मतलब अनेक अणु को जोड़ना। किसके अनेक अणु को जोड़ना, इथिलीन का। तो अनेक को हम क्या कर दिए, एन। अब बता इथिलीन के अनेक अणु को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद CH2 अनंत बनाएगा और बी कौन बनेगा, सिंगल बॉन्ड। देखा जाए, देखिए डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब बताओ CH2 क्या बनाएगा, अनंत बनाएगा और सबके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। इसी का नाम हो गया पॉलीइथिलीन। समझ में आया, अगर एग्जाम में आ जाए बाबू कि क्या होता है जब इथिलीन को बहुलीकृत किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आपको इसे दर्शाना होगा। यहां पर ऑब्जेक्टिव भी आता है कैसे, कि इथिलीन को बहुलीकृत कराने से, इथिलीन को बहुलीकरण कराने से प्राप्त होता है, तो क्या प्राप्त होता है, पॉलीइथिलीन। कोई दिक्कत है, देखिए खूब बढ़िया से देखिए बाबू। चलिए अब आइए नौवा हो गया, देखिए अब दस पीडीएफ के माध्यम से देखा गया। ये आपका इथिलीन को बहुलीकृत किया जाता है। देखिए इथिलीन का सूत्र आपको बताएं CH2 double bond CH2। अब बताओ इसका बहुलीकृत किए माने अनेक अणु को जोड़े तो अनेक को दिखाए एक। अब देखिए CH2 जब बहुलीकृत के बाद CH2 कितने पर आएगा, अनंत पर। देखिए अनंत पर बीच में पॉलीइथिलीन है, कोई दिक्कत है दोस्त। और इसको आप बचा हुआ शेष भाग को कल की क्लास में आपको दर्शाएंगे दोस्त। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।